अंदर बैठ गए तीनों और हमने रसोईया को भेज दिया घर पे क्योंकि खाना बनना नहीं था जी। और फिर थोड़ी देर में सर करीब एक दो घंटे बाद में हमारी आवाज़ें प्रॉपर ऐसे ही आई जा रही थी बार बार। मैं हमने आसपास वालों को साथ वालों को फ़ोन भी किया कि हाँ स्कूल में गुलजार है, लेकिन हमारे किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि हम गेट खोल के वॉशरूम तक भी जा सकें। तो फिर सर हमने थोड़ी देर बाद में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कुछ चीज़ आ रही है। माध्यम से हमें भी सूचना मिली थी शाम को कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय ईसापुर है, यहाँ पर गुलदार आया था और उसी को आज हम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस विद्यालय में हमारे 3 अध्यापक और 2 रसोईया कार्यरत हैं, 88 बच्चे यहाँ पर। नाम आपका? मेरा नाम सीमा राजपूत है, मैं प्रधान अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय ईसापुर में। और हमारे स्कूल में हम 3 टीचर हैं, 2 सहायक अध्यापक और 1 मैम। कल बच्चों की छुट्टी थी तो हम स्कूल में गुलदार घुसने से मची अफरा तफरी। खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां इन दिनों गुलदार के आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। वहीं गुलदार भी कुत्ते बिल्ली की तरह अब आने लगे हैं। आइए डालते हैं एक खबर पर नज़र। अब आपको एक ताजे मामले में रूबरू कराते हैं, जहाँ गाँव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में अचानक दीवार कूद कर गुलदार स्कूल में दाखिल हो गया। गुलदार को देख स्कूल के स्टाफ ने क्लासरूम में दरवाज़ा बंद करके अपनी जान बचाई, लेकिन घबराहट में स्कूल की रसोईया गुलदार को देखकर गांव की तरफ भागने लगी, लेकिन उसी दौरान चोटिल हो गई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। गुलदार के खौफ के मारे स्कूल में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया, बल्कि टीचर में ज़रूर मौजूद हैं। बताते चलें, यह हल्दौर क्षेत्र के ग्राम ईसापुर का सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ 88 छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं जबकि 3 टीचर स्टाफ हैं। बीते दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश होने की वजह से डीएम बिजनौर ने बीते कल यानी 13 सितंबर को बच्चों की छुट्टी कर दी, जबकि टीचर की स्कूल में उपस्थिति होना अनिवार्य था। कल दोपहर 1 बजे के आसपास जंगल से होता हुआ गुलदार स्कूल की दीवार फाद कर स्कूल परिसर में दाखिल हो गया। जैसे ही टीचर की नज़र गुलदार पर पड़ी तो फौरन टीचर स्टाफ दौड़कर क्लासरूम में घुस गए और गेट बंद कर लिया। टीचर स्टाफ ने शोर मचाते हुए फ़ोन कॉल करके ग्रामीणों को बुलाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक गुलदार गेट पर पंजा मारता रहा। स्कूल की रसोईया महिला भागकर ग्रामीणों को बुलाने की कोशिश कर रही थी कि इसी दौरान गुलदार को देखकर घबराहट हो गई और गिर गई, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। फिलहाल गुलदार के खौफ से मारे आज बच्चे स्कूल नहीं आए। वहीं बात करें स्कूल की तो यहां शिक्षा विभाग के BSA भी स्कूल में पहुंचे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि वन विभाग ही बता पाएगा कि गुलदार स्कूल में आया था क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी जानवर को देख रसोईया का हाथ फ्रैक्चर हो गया। माध्यम से हमें भी सूचना मिली थी शाम को कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय ईसापुर है, यहाँ पर गुलदार आया था और उसी को आज हम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस विद्यालय में हमारे 3 अध्यापक और 2 रसोईया कार्यरत हैं, 88 बच्चे यहाँ पर नामांकन हैं। मैंने वन विभाग से भी संपर्क किया था तो उन्होंने भी रात में अपनी टीम भेजी थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई चिन्ह मिले नहीं हैं कि यहाँ पर गुलदार आया था, फिर भी वो अपनी अभी टीम भेज रहे हैं यहाँ पर इस बात की जांच करने के लिए क्या ऐसा कोई यहाँ पर जानवर आया था या नहीं, और आया था तो क्यों आया था। और यहाँ पर मैंने उनसे कैमरा लगाने के लिए और जो भी एहतियात जंगली जानवरों से बचने के लिए हैं उसका भी अनुरोध किया है, तो वो अभी वन विभाग की टीम अभी आ रही है यहाँ पर। लेकिन आपकी जो एक रसोईया है वो गुलदार को देख करके जब भागी गिर करके उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। जी हाँ वो कल जैसा ये लोग हमारा स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे आए तो डर के तो वो फ्रैक्चर तो हुआ है, आप भी देख रहे हैं। अब ये तो वन विभाग ही बता सकता है यहाँ पे क्या कोई जानवर आया था कि। नाम आपका? मेरा नाम सीमा राजपूत है, मैं प्रधान अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय सपुर में। और हमारे स्कूल में हम 3 टीचर हैं, 2 सहायक अध्यापक और 1 मैम। कल बच्चों की छुट्टी थी तो हमें सुबह से ही ना अलग तरह की आवाज़ आ रही थी, पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी जब हमें कुछ मतलब जैसे गुर्राते हैं इस तरह की आवाज़ आई तो फिर हमने थोड़ा एहतियात बस जो है दरवाजे बंद कर लिए थे,
लेकिन विंडो खुली हुई थी हमारी, तो फिर हम फिर बीच में आवाज़ें बंद हो गई, हमारी रसोईया आई, हमने उनसे कहा आज खाना तो बनेगा नहीं, बेचने गई, तो फिर हम एक दो बैठे अपना अपना जो भी कार्य था इसके संबंधी वगैरह का वो कर रहे थे, फिर उसके एकदम से ना गेट पे बहुत तेज़ी से आवाज़ आ गई है, तो पहले तो हमने भी इसलिए शायद तबका आ गया है, लेकिन जब बहुत तेज़ गुर्रानी की सी आवाज़ आई तो हम डर गए, तो एक मैम ने वैसे तो कुंदा लगा हुआ था लेकिन फिर भी डर की वजह से उन्होंने जो है उसे दोबारा वो कुंदा बंद मतलब हाथों से पकड़ लिया, और फिर एक ने हमने इधर विंडो की तरफ से एक मैम ने रूपाली मैम ने जो है वीडियो बनाने की कोशिश की, तो जैसे हमने शोर मचाया फिर फ़ोन किया एक मैंने फ़ोन किया सर रसोइये को, तो क्या कहते हैं रसोइया उधर से सब गांव वालों को इकट्ठा करके शोर मचा के आई, तो इतने में ना भाग के इधर से जाते हुए हमने पीछे से देखा। मैम आज हम देख रहे हैं बच्चे नहीं है स्कूल में, क्या वजह है? सर आज जैसे बच्चे सुबह कुछ आए थे अभिभावक, वे मुझसे कहने लगे कि मैम आप जिम्मेदारी लीजिए इस बात की, तो मैंने उनसे ये बोला देखिए मैं इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी मतलब अकेली नहीं ले सकती, आप अगर अपनी जिम्मेदारी पर बच्चे भेज रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं भी तो अपने रिस्क लेके हूँ, लेकिन मैं बच्चों की जिम्मेदारी क्या, क्योंकि बच्चों को देखो वॉशरूम जो है वो पीछे की तरफ है, पीछे जंगल है, तो बच्चे मैं बंद करके नहीं बैठा सकती, तो फिर गाँव वालों ने यही कहा कि मैम जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है हम अपने बच्चों को जान जोखिम में नहीं डालेंगे, इसलिए हम विद्यालय नहीं भेजेंगे, तो मैंने कहा देख लीजिए अगर मतलब मैं है कि बच्चों को सारे दिन बंद करके भी नहीं रख पाऊंगी, अगर आपको जैसा उचित लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैम आप बंद भी आपको सूचित कीजिए, मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास जो भी है अपने विभाग को सूचित किया है, और BSA साहब हमारी DO मैम सबको मैंने अपना सूचना दे दी है, उस पर कार्रवाई हो रही है, और वन विभाग से भी मतलब एक लेटर शायद वो ग्रुप का पड़ा था कि अब यहाँ पे जो है पिंजरे लगाने की व्यवस्था की जाएगी। सर मेरा नाम रूपाली सिवाच है। रूपाली जी कल स्कूल में क्या कुछ हुआ? सर यहाँ पर हमें कुछ सुबह 9 बजे से ही कुछ घुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, बल्कि सबसे पहले मुझे ही आई थी दो बार, बिल्कुल एक बार तो हमें लगा कि शायद वहम होगा, लेकिन दो बार वो बिल्कुल इतनी साफ आवाज़ें थी कि वो कहीं बिल्कुल आसपास से ही आवाज़ें थी, फिर हमने थोड़ी बार देर बाद हमें सुहाट क्योंकि बच्चे नहीं थे, बिल्कुल शांत था माहौल स्कूल का, तो हमने दरवाजे बंद करके एहतियात के तौर पर हम अंदर बैठ गए तीनों, और हमने रसोईया को भेज दिया घर पर क्योंकि खाना बनना नहीं था जी, और फिर थोड़ी देर में सर करीब एक दो घंटे बाद में हमारी आवाज़ें प्रॉपर ऐसे ही आई जा रही थी बार बार, मैं हमने आसपास वालों को साथ वालों को फ़ोन भी किया कि हाँ स्कूल में गुलदार है, लेकिन हमारे किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि हम गेट खोल के वॉशरूम तक भी जा सकें, तो फिर सर हमने थोड़ी देर बाद में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कुछ चीज़ आ रही है, तो मैम ने कहा कि शायद कुत्ता होगा, मैम ने तब ऐसे मतलब हमें ना वो नहीं किया ध्यान नहीं दिया, फिर सब पंजों के निशान बिल्कुल मतलब ऐसे आ रहे, और फिर पूरी तेज़ जब गुर्राने की आवाज़ आई तब हमारे बिल्कुल मतलब होश उड़ गए, तो हमने सर गेट पे प्रीति मैम तो गेट पकड़ के बैठ गई अंदर से, और फिर सर मैंने वीडियो भी खोली, लेकिन हम सर इतने हड़बड़ा गए हम कि वीडियो का बटन ऑन नहीं कर पाए, और बस हम उसे मतलब कैमरे को ऐसे लेके बैठ गए, विंडो से हमने कोशिश भी की, और सर जितने गांव वाले आए रसोईया लेके आई गाँव वालों को, इतने वो इधर की तरफ से पीछे खेत में भाग गए।